भाई इसको रोटी के साथ खाऊं? बस भाई इतना भी अत्याचार नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, वो लोग मोमोज के साथ वो चीज कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो भी करेंगे ये रेस्टोरेंट वाले हमसे दो कदम आगे ही रहेंगे। आज की वीडियो में कमेंट करना सुशी। विकासपुरी की वीडियो में अगर आपने तंदूरी सुशी नहीं खाई तो क्या विकासपुरी की वीडियो बनाई है। हाय गाइस, अनन्य दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी। और आज दिल्ली की सर्दी सीजन 3 के सेकंड एपिसोड को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घर से, क्योंकि ये एपिसोड है बेस्ट फूड डिलीवरी ऑप्शंस इन विकासपुरी। और जैसे आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, हमारे पास एक स्पेशल पैकेज है, बट उसको हम लोग आपको दिखाएंगे बाद में, क्योंकि इसके साथ हम लोग करने वाले हैं कुछ गड़बड़ सी चीजें जो होती हैं विकासपुरी एज पर अ सर्टन कॉमेडी यूट्यूब वीडियो जो बहुत वायरल हो गई थी। तो मैंने तब से ही सोच लिया था कि भाई जब दिल्ली की सर्दी इस बार आएगी ना, मैं ये चीज करूंगा। मतलब किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, अगर एक बार जिक्र हो गया तो फिर जैसे कल की आपने सैटरडे की वीडियो में देखी, इतने सारे टाइप के अलग अलग समोसे होते हैं, तो ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती। ये जो टेबल के ऊपर वाली चीज़ है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाली थी। पोल क्या मतलब, सजेशंस मांगे थे आप सब लोगों से जो वेस्ट दिल्ली वाले हैं। थैंक यू आप लोगों ने बताया। मैंने अपने फ़ोन पर डाला विकासपुरी का एड्रेस, फिर मैंने खोला स्विगी जोमैटो, फिर मैंने ये सारा का सारा सामान ऑर्डर करा आप लोगों की सजेशंस पे। तो जो जो आप लोगों ने जगह बताई थी, हम लोगों ने आज मंगवाया मोमोज, हम लोगों ने मंगवाया चापे, हम लोगों ने मंगवाया मीठा, हम लोगों ने मंगवाया नमकीन, और हम लोगों ने मंगवाई है वो चीज विकासपुरी की। तो ये देखो यार, ओहो क्या बात है, ये देखो यार क्या ही बात है ये तो। और ये देखो यार, ये तो बहुत ही क्रेजी लग रहा है। मतलब दिस इज लाइक वेस्ट दिल्ली का मतलब क्रेजी खाना। और भाई वेस्ट दिल्ली का ना हम लोग अभी और भी खाना शूट करेंगे वेस्ट दिल्ली जाके। तो जो जो लोग वेस्ट दिल्ली से है ना, इंस्टाग्राम पे जरा आ जाओ, @वेजीपाजी पे मैसेज कर दो या @बड़ेपाजी पे मैसेज कर दो, हम लोग आपके साथ मिलेंगे, खाएंगे खाना। वो वाली पिक्चर नहीं थी, शैम्पी चापे शापे भी आ गई यार, हो गया, ब्रेड्स भी आ गई अब हमारे पास। ठीक है, प्लेटर जो है ना आज हमारी वीडियो का काफी कमाल का लग रहा है ना। बट हम लोगों ने भाई मुद्दे से नहीं भटकना, मुद्दा आज कुछ और है। ओए ओए, रोटियां यार, ये हुई ना बात। आज की वीडियो का मुद्दा कुछ और है। आज की वीडियो में बढ़िया खाना दिखा रहे हैं आपको, एक सेकंड में बता रहा हूँ कहाँ से क्या खाना मंगवाया है, सबका टेस्ट कैसा है। पर हम लोगों ने कुछ परौंठा भी है और रुमाली रोटी भी है। मतलब मैं बता रहा हूँ सब कुछ है, पर ये मेन नहीं है आज। आज मेन कुछ और है, क्योंकि आज जो हम लोग करने वाले ना, उसके बाद कुछ मीठा खाने की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। राजभोग खाए थे ना इंदौर में, अरे यार वो तो अल्टीमेट। आप कह रहे हो ये तो नॉर्मल सामान है, इसमें फैंसी का है? इतना हाइप कर दिया कि कुछ गड़बड़ करने वाले अच्छा, वो अब आएगा ना भाई। ये देखो काले मोमोज, कभी खाए हैं आपने आज तक? ये मोमोज है? हाँ ये है, दीज आर ब्लैक मोमोज, ब्लैक बीन सॉस के अंदर पता नहीं कुछ तो बनाया गया है। काफी फैंसी लग रहे हैं ना, कुरकुरे मोमो टाइप के लग रहे हैं। ये पूरा मोमो प्लेटर था एक, और ये मैंने 4 पीस अलग से मंगवाए। और वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वेजी पाजी, बिकॉज ओनली वेजी पाजी कैन डू दीज थिंग्स। भाई मैं सोच रहा था करूं कि ना करूं, पर मैंने सोचा जस्ट फॉर आर डीजी फैमिली हम लोगों को करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा मतलब। तो भाई आज के मेन्यू में हमारे पास है मोमोज, हम लोगों ने मंगवाए हैं बाउजी से। ये इनका मोमो प्लेटर है, इसके अंदर 10 पीस मोमो है। अच्छा, ये दोनों प्लेटर है मिला के? नहीं, ये पूरा एक प्लेटर है। दो ये जो वो है प्लेट्स, इनमें एक प्लेटर है। हाँ, इसमें तंदूरी मोमो, इनका कोई स्पेशल मोमो, फ्लारेंट हिंकारा, मतलब ये वेज का पूरा प्लेटर है। 5 अलग अलग वैरायटी, 2-2 पीस डाली है इन्होंने। क्या बात, ये इनका ब्लैक मोमो है। ठीक है, ये वो ब्लैक बीन सॉस वगैरह वाला लिखा हुआ था, मैंने सोचा डिफरेंट है ऑर्डर कर लेते हैं। ये चटनी है इसके साथ में मिली है। ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट मंगवाया है सिंगलास से। ओके ठीक है, जैसे अपना गुलाब वगैरह वगैरह, वैसे वेस्ट दिल्ली का सिंगलास हो गया। ये सिंगलास से रसमलाई, राजभोग, गोलगप्पे। ये आया है जयवीर चाप से। ओ जयवीर, वेस्ट दिल्ली वाला जयवीर। ये तवा चाप, मलाई चाप और रोटियां, उनको एंजॉय करने के लिए साथ में चटनियां। और ये आया है अकीरो से, कीरो अकीरा जो भी है। भाई जो भी लोग इस जगह से वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज वीडियो बंद कर दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अब हम लोग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं विच आर नॉट टू बी ट्राइड एट होम, अभी पता चल जाएगा। अकीरे वाले सोचेंगे क्या कर क्या रहे भाई ये। भाई देखने में बहुत अच्छी लग रही है सुशी, है ना? वेज सुशी है, वेज सुशी है, टेम्प्योरा एस्पैरागस। आप फर्स्ट टाइम सुशी ट्राई कर रहे हो, वेजिटेरियन हो तो टेम्प्योरा जरूर लेना, टेम्प्योरा फ्राइड टाइप का, बड़ा मस्त मजा आता है। और साथ में फलाने ढिमकाना चीज़ें हैं, सोया सॉस, जिंजर पिकल और वासाबी ब्लास्ट। बट आज हम लोगों को इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम लोग विकासपुरी का एपिसोड बना रहे हैं। क्या विकासपुरी में सब लोग ऐसी सुशी खाते हैं भगवान जाने, पर हम लोग खाएंगे ऐसे ही। वो मिलते हैं एड के उस पार, एड चलाई जाए। आइए दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सुशी को
तंदूरी सुशी, तवा सुशी, आज ये चारों जो भी सुशी है ना, हम लोगों ने सुशी की बहुत वीडियोस बना रखी हैं, आप वो देख सकते हो। गुड़गांव का हम लोगों ने भाई पूरा एज इट इज करा था ना। यस, बेस्ट फूड डिलीवरी ऑप्शंस इन गुड़गांव, बेस्ट फूड डिलीवरी ऑप्शंस इन साउथ दिल्ली, उनमें सुशी हम लोगों ने मंगवाई थी और अच्छे से खाई थी। पर आज हम लोग सुशी खाएंगे जैसे मिलते हैं मोमो, तो ये हम लोग खाएंगे सबसे एंड में इन सुशियों के यूनिक अंदाज से। मुझे बहुत अजीब लग रहा है करते हुए, बट फॉर द सेक ऑफ साइंस, कॉमर्स वाले बच्चे जब ये बात बोलते ना। ये होगी हमारी तवा सुशी। ओ यार, एक तो बंदा बाहर, एक तो बाहर और। भाई तभी मैंने बोला भाई विकास पुरी की वीडियो बुला ली आज। आज विकास, दोनों बाहर हो भाई। आज विकास पुरी की वीडियो बुला ली। ये होगी तवा सुशी। अब चलो भाई तंदूरी सुशी भी बुला लेते हैं। चलो तंदूरी कैसे? ओफ ओफ वो। चलो भाई तंदूरी सुशी। ओ भाई, भाई सब ये सारी तंदूरी मोमो प्लेटर है ना, मैं बता रहा हूँ ये आने वाला किसी के मेन्यू में। अब लो भाई, ठीक है आप इनको देखते रहे ना, मैं इसको सबसे एंड में खाऊंगा। अब मैं गोलगप्पे से स्टार्ट कर दूँ, बिल्डअप करना पड़ेगा मेरे को भी अपने आप को। क्या कर दिया भाई, फन हम लोग करते रहते हैं भाई लाइफ में ना। फन अगर हो ना तभी मजा आता है। तो दिल्ली में इतना सारा जब खाना मंगवाते हैं ना तो घर वाले सब मिलकर खा लेते हैं, तो दिल्ली में हम लोग ना ऐसी वीडियोस बना लेते हैं फूड डिलीवरी वाली, ताकि आपको भी पता चल जाए कि घर बैठे बैठे आपके घर के आसपास क्या ऑप्शंस होते हैं। भाई गोलगप्पे सही थे, ठीक थे, मतलब अब हम लोग अटैक करेंगे मोमोज पे। ओके, सबसे पहले मैं अटैक करूंगा इस वाले ब्लैक वाले मोमो पे, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ रही है। ओके, अंदर स्टफिंग डली हुई है भाई, नॉर्मल वेज स्टफिंग है। इनके पास ऑप्शन था वेज, पनीर और चीज़ कॉर्न, और इसके अंदर कुछ ब्लैक 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 बीन सॉस कुछ तो फलाना ढिमकाना लिखा था। टेस्ट करते हैं इसका, क्या इसमें वो बात है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। तो सोया सॉस का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, डिफरेंट है। मतलब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, वो लोग मोमोज के साथ वो चीज़ कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो भी करेंगे ये रेस्टोरेंट वाले हमसे दो कदम आगे ही रहेंगे। विकास पूरी विकास करके भाई, पर आज तक कभी नहीं देखा मैंने इतने अलग अलग टाइप के मोमो खाए हैं। मैंने एक मोमो फेस्ट अटेंड करा था जिसमें 300 टाइप का मोमो थे। मतलब वेज, रोगन, जोश मोमो मैंने खाया है, इतना जोश है मेरे अंदर, पर मैंने ये वाला मोमो नहीं खाया, ओनली इन विकास पूरी। काफ़ी शार्प टेस्ट है। आई थिंक जो लोग नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। ये है क्रिस्पी मोमो। ये अफगानी लग रहे हैं मुझे, ये अफगानी है, ठीक है नहीं, ये अफगानी नहीं होंगे, वो अफगानी होती ये, हाँ ये क्रीमी अफगानी है। फिर उनके ना अपने कोई स्पेशल मोमो थे, कोई हैदराबादी मोमो थे, ये हैदराबादी होंगे ना, थोड़े स्पाइसी टाइप से, हाँ वो स्पेशल होंगे। मेरे को लग रहा है ये जो है ना यहाँ पे स्टफिंग सेम है। अच्छा नहीं नहीं वो वाला अलग, मैंने चार पीस मंगवाए थे ना ब्लैक वाले, तो वो पनीर की स्टफिंग थी। अब यहाँ से वेज वाली स्टफिंग है। अच्छा, इनकी वेज स्टफिंग में भी कॉर्न कून डला हुआ है, डिफरेंट है, बटरी है, देख रहे हो ना, यहाँ से अब स्टफिंग सेम है। मोमो वाले भैया ये करते हैं हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ भाई। यहाँ है काफी ज्यादा हैवी। अच्छा, मैं भी इस पे बढ़ जाऊंगा ना तो मैं ये नहीं खा पाऊंगा। मेरे हिसाब से ये जो पूरा प्लेटर है ना 250 रुपए का था। अच्छा, इसमें 2, 4, 6, 8, 10 पीस थे, तीन लोगों के लिए, तीन पीस एक बंदा खाएगा मस्त हो जाएगा वो। काफ़ी लोडेड है, हैवी है। अब ये वाले स्टार्टर ट्राई करते हैं भाई, पूरा मुकबांग वाली फील आ रही है मेरे को है कि नहीं? टेबल भी वैसे सजा रखा है एकदम भाई, बस एक ऐसे वो करूँ ASMR माइक। अरे मुकबांग वालों को कितने मजे आते होंगे ऐसे, पर पूरा खाना भी पड़ता है, हम लोग तो चार लोग मिलके खाते हैं। हाँ वो तो सारा खत्म कर देते हैं, हर कोई मैट स्टोनी नहीं बन सकता भाई। लोग कमेंट कर रहे होंगे हर कोई वेजी पाजी भी नहीं बन सकता। क्या करे तो मैं देख के हैरान हूँ भाई इस बार। ये पत्ती भी लगा देते बेटा ये? ओ हाँ, माइक्रो ग्रीन्स, माइक्रो ग्रीन्स वाली पत्ती भी लगा देते। वाह क्या ही बात है, अब तो मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई। द लीला के जामवर में अगर कोई सुशी देगा ना ऐसे ही देगा, ऐसे ही देगा। मतलब ये यूजुअली मलाई चाप में ना काफी ज्यादा मलाई डली होती है, तो इसमें वो जो रोस्टेड वाला फ्लेवर है वो चीज है, बट जैसे ओवरली मलाई नहीं डाल रखी कि सिर्फ और सिर्फ मलाई आए। बड़े टाइम बाद मैं खा रहा हूँ जयवीर की चाप। हम दिल्ली वालों की ना कुछ कुछ चीजें ही वीकनेस होती है, जो शाम की चीजें दिल्ली वालों की वीकनेस होती है ना सारी इस टेबल पे सजी हुई है। मोमो है सजा हुआ है, गोलगप्पे है वो तो चलो पूरे इंडिया की है सजी हुई है, चाप है सजी हुई है। फिर सुबह की वीकनेस अलग होती है, वो कभी और दिखाएंगे, दिखा भी चुके हैं एवरी टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट इन दिल्ली। अरे क्या मजा, छोले भटूरे, छोले कुलचे,
वो दिल्ली वालों की सुबह की वीकनेस है। इस चाप की ग्रेवी के साथ इस सुशी को खाने वाले हैं आज। हम क्यों? बढ़िया चाप है भाई। मेरा तो ये मानना है कि वेस्ट दिल्ली का पूरे दिल्ली में ही खाना बहुत अच्छा मिलता है। स्पेशली जो मोमो की वैरायटी देख रहे हैं ना, देख कर लग रहा है कि वो जो इंस्पिरेशन मिली है ना कॉमेडियन गौरव भाई को विकासपुरी की, कहाँ से मिली है? समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है देख के, ये ना ये ऐसे मोमोज देख के पता चल रहा है। मिलती है अलग अलग चीजें पर इस लेवल की विकासपुरी में ही मिलती है। ब्लैक बीन सॉस के अंदर मोमोज, कहाँ से आइडिया आया है? एक ये वाला मोमो ट्राई करता हूँ, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे। मतलब वेस्ट चॉपिंग में कौन कौन, वैसे मैं इतना खाता नहीं बट थोड़ा डिफरेंट कर रखा है। हाँ, थोड़ा विकासपुरी टच दे दे रखा है। ऑल इन गुड ह्यूमर। अब लगी, अब तीखी लगी, अब लगी है भाई। इसको रोटी के साथ खाऊं? बस भाई इतना भी अत्याचार नहीं। आई थिंक पहले मेयोनीज खाते हैं क्योंकि सुशी पे लोग क्रीम चीज तो डालते ही हैं, सो दिस वोंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू। ठीक है ना, तंदूरी वाला। यस, तंदूरी सुशी। कैसी लगी तंदूरी सुशी? अच्छी लगी, पास है भाई। मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा फिर तो। मेन्यू में ऐड करो भाई, ये एक रेस्टोरेंट खोलो तंदूरी सुशी का, गोलगप्पे सुशी, पुचका फ्लेवर सुशी। मैं एक किसी दुकान पे गया था, थेपला फ्लेवर खाकरा, माइंड ब्लोन। ओके भाई, वो अच्छा था, वो सीरियसली अच्छा था। ये होगा ना एडवेंचर। तवा सुशी वीडियो के लिए ठीक है। ये तवा वाली चीज ना, है ना, वो कहना क्या चाहते हो, वो वाली चीज हो रही थी। बट विकासपुरी की वीडियो में अगर आपने तंदूरी सुशी नहीं खाई तो क्या विकासपुरी की वीडियो बनाई? ब्लैक मोमोज खा लिए यार, ये ब्लैक मोमोज। गोलगप्पे, ओके ओके, चाप वेरी गुड, दिस वाज नाइस, इसमें पूरा मलाई नहीं थपा। ये वाला मोमो भी अच्छा था, ब्लैक मोमो। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन ट्राई, nobody is stopping you. I will end the video with rasmalai because I love rasmalai. आपको क्या पसंद है? रसगुल्ले, गुलाब जामुन। भाई पूरा जो build up करा था ना पूरी video में, तंदूरी सुशी। अच्छा जी, title में भी जो मैं एकदम shamelessly डालने वाला हूँ तंदूरी सुशी विकासपुरी। हाँ, वो सही रहा यार, दुकान खोल लीजिए। ये देखो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, asparagus को तो तला है, आप फ्रेंच बीन्स तल दो, आप गाजर खीरे तल दो, ये बात भी है ना। तो आप ये सुशी मेरे हिसाब से 55 रुपए ही बेच सकते हो एक पीस। पचपन एक पीस, ओ अच्छा नहीं, 55 की तो एक पीस ये बेच रहे हैं आप, 55 की हाफ प्लेट तो बेच सकते हो। सही बात है, आप बेच सकते हो तंदूरी वाली सुशी, आप फुल प्लेट बेचना 150 रुपए की। रेस्टोरेंट खोल लो, उसको शाउट आउट मैं इंस्टाग्राम पे दूंगा। आप रेस्टोरेंट खोलो पर ऐसे बनाना, ऐसी वाली बड़ी वाली बस। हाँ, ऐसी वाली बनाना, ऐसी वाली मत बनाना। अब वीडियो खत्म करते हैं और तसल्ली से सारा खाना खत्म करते हैं। Bye-bye.